अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, जुम्मा मुबारक। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल गोश्त। और चने की दाल मैंने बॉईल करने रखी है और दूसरे अंगीठी पे मैंने दूध जोश करने के लिए रखा हुआ है। और दूध जब तक दूध जोश होता है तब तक जो है मैं जो है प्याज काट लेती हूँ। और मैंने एक दरमियाने साइज़ की जो है ना प्याज ली है और इसी में मैंने जो है ना ऑयल भी डाल दिया है। जब तक हमारी प्याज जो है थोड़ी सी गुलाबी, मतलब थोड़ा सा कलर आ जाएगा प्याज में, और जब तक जो है मैं आपको मसाले बता देती हूँ कि मैंने मसाले क्या क्या लिए हैं। मैंने लिए हैं अदरक लहसुन पिसा हुआ, गरम मसाला पिसा हुआ, हल्दी और पिसा हुआ हरा धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च, और ये है टोमेटो पेस्ट। मैंने बना के फ्रीज़र में रखा हुआ है और टोमेटो पेस्ट। और जब तक जो है हमारी प्याज, और ये मैंने गोश्त लिया है, बस मुझे इतनी क्वांटिटी में चने की दाल गोश्त बनाना है। जब तक हमारी प्याज होती है और फिर हम इसमें जो हमने मसाले लिए थे वो मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज देखें अभी जो है ना, बस थोड़ा सा प्याज में तो टाइम लग जाता है बस ज़रा, लेकिन हमने ब्राउन नहीं करनी है प्याज, थोड़ा सा बस इसमें अच्छा सा जो एक कलर होता है ना चाहे प्याज में, लाइट गोल्डन सा कलर कह लें, बस वो आ जाए तो फिर हम इसमें ये मसाले ऐड कर देंगे। और अब हम मसाले ऐड करने लगे हैं इसमें, और मसाले ऐड करने के बाद जो है ना हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे और अच्छी तरीके से भूनने के बाद जो है ना बस अब हम इसमें जो है ना गोश्त को ऐड कर देंगे। और नमक जो है मैंने हसबे ज़ायका डाला है। और ये देखिए मज़ेदार सी चने की दाल गोश्त रेडी है जी। तो माय यूट्यूब फैमिली, ये बनाया है मैंने झटपट कस्टर्ड अपनी बेटी की फरमाइश पर। उन्होंने अपनी दादी के साथ मोबाइल में जो है ना कस्टर्ड देख लिया था तो बस उनको ज़िद हो गई थी, तो ये जल्दी जल्दी रेडी किया है मैंने। हाँ जी गाइस, तो आज फ्राइडे था तो हम बाहर भी आए, घूमने के लिए निकले बाहर थोड़ी देर के लिए। तो आज हम आए हैं पार्क, और बहुत अच्छा पार्क है ये। और मरियम को नज़र आ गए फिर यहाँ पर झूले, तो मरियम बैठ गई अपने फेवरेट टोकन वाले झूलों में और इन्होंने काफ़ी जो है ना इंजॉय किया। हम हर दफ़ा इस रोड से गुजरते थे तो ये ना ये कैब झूले वगैरह देख के अट्रैक्ट होती थी कि मम्मा बाबा मुझे झूलों पे बिठाओ तो फिर हम इसे लेकर आ गए। ये ऐसे कलरफुल झूले होते हैं, मतलब ये टोकन वाले झूले कहलाते हैं, और ये इतने मतलब कलर जो होता है इनका इतना अट्रैक्ट करता है बच्चों को, तो बच्चों को ना जाते हुए भी दिल जाने लग जाता है कि हम क्यों ना इस पे बैठे हैं। और आज हैरत की बात कि अबिया डरी नहीं, और अबिया भी जो है ना मरियम के साथ बैठ गई खुशी खुशी। और ये देखें इन्होंने भी इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया। और कुछ झूले जो है ना उनका चलने का मतलब उसमें कुछ अच्छे मतलब थे, और ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे थे। बाज़ झूले जो होते हैं वो बैटरी वगैरह से चलते हैं, तो मतलब काफ़ी देर तक जो है ना बच्चों को इसमें टाइम मिला बैठने का। और ये जो है ये कुछ डिफरेंट तरीके से चल रहा था, मतलब म्यूज़िक भी जो है ना इसमें काफ़ी मतलब अच्छे थे इस तरह से, ये देखें। और फिर फाइनली जो है ना ये भी घोड़े पर बैठी गई, क्योंकि जब हमने मरियम को बिठाया था तो ये रो रही थी कि मुझे भी बैठना है तो फाइनल फिर ये भी झूले पे बैठ गई, और इन्होंने भी जो है ना इन्जॉय किया है काफ़ी। और बच्चों का जो है ना जो आज का छुट्टी का दिन होता है इनके पापा का, वो वसूल किया है बच्चों ने। और फिर मरियम को नज़र आ गई ये घंटी, और हमारी हमको कॉटन गंडी नज़र आ गई। और फिर उन्होंने जो है ना कहा पापा मुझे ये खानी है और फिर उनके पापा ने खड़े होकर उनके लिए ये कॉटन गंडी बनवाई, और ये इन्होंने जो है ना इतनी बड़ी मतलब बना कर दी कि उसकी समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे खाए इसे। और दो कलर में बनाई, मतलब एक स्काई ब्लू और बेबी पिंक कलर में,
और बहुत अच्छी सी बनाई थी ये। और फिर मतलब ये काफ़ी जल्दी ना मतलब मेल्ट हो जाती है, इसे जल्दी 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 खाएं तो ये सही रहती है। और फिर ये मेल्ट होकर गिरने लग गई थी। आपको तो पता है कि बच्चे जो है ना थोड़ा स्लो स्लो भी खाते हैं, तो काफ़ी बड़ा सा इन्होंने ये फ्लावर बना के दिया था। ये देखें ज़रा, ये देखें इतना बड़ा सा जो है ना ये इन्होंने एक फ्लावर बना के दिया था, तो अच्छी थी जस्ट में। और ये देखें जनाब, इतनी बड़ी सी कॉटन कैंडी, बच्चों की समझ ही नहीं आ रही थी। फिर हम गए नुमाइश चौरंगी और जो है ना गुरु मंदिर की साइड। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सा, कितना ज़बरदस्त सा फ़ानों से मुझे इसकी लाइटिंग अट्रैक्ट कर गई। और ये देखें ये मस्जिद भी जो है ना नुमाइश पर, ये बहुत हसीन इसकी जो है ना लाइटिंग होती है। इसमें अभी अभी जो है ना अभी हम पहुँचे हैं घर और बहुत थक गई। और अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते मुस्कराते रहिए, और दुआ में मुझे याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।